दिखाओ, देखिए पीवीआर सिनेमा बड़ा सा बोर्ड आप लोग देख सकते हैं, फिर से देख लीजिए एकदम जूम करके देखा है। पीवीआर सिनेमा खुलने वाला, चार स्क्रीन का खुलने वाला, जी हाँ चार स्क्रीन का खुलेगा, तीन नहीं चार स्क्रीन का पीवीआर सिनेमा खुलने वाला। टोटल 9 फ्लोर का ये मॉल होने वाला है, जहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड्स भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ पर आप लोग देखिए जितना भी ब्रांड है ये सब स्टूडियो वगैरह रहेगा, वुडलैंड का रहेगा, रेंट भी आपको यहाँ पर आप लोग ले सकते हैं। नंबर मुजफ्फरपुर खुला, पटना में बीजेपी खुलने वाला है, किस मॉल में खुलेगा आप लोग कमेंट बताइए, कि मैं वहाँ का ब्लॉग बना चुका हूँ, आप लोग नहीं जानते। अभी गाइस पटना से मुजफ्फरपुर आए हुए हैं, बस से आते ही मेरे को यहाँ पर आइकॉन प्लाजा मॉल दिख गया, जिसका उद्घाटन जल्दी होने वाला है। इसके बारे में आपको जबरदस्त अपडेट देने वाले, बिहार का पहला पीवीआर यहाँ पर खुलने वाला, जी हाँ 4 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स यहाँ पर खुलने वाला, बिहार का पहला पीवीआर। पहले पटना में ग्रेविटी मॉल में था, वो कैंसिल हो चुका है, वहाँ पर पीवीआर नहीं खुलेगा, बट बिहार के मुजफ्फरपुर में भी यहाँ जहाँ खड़े हैं वहाँ पर आइकॉन प्लाजा मॉल में 4 स्क्रीन पीवीआर खुलने वाला है। तो पूरा लास्ट तक बने रहिए, पूरा अच्छा से आपको अपडेट देने वाले। बस से गए जा रहे थे, बस से हम लोग मुजफ्फरपुर बस स्टैंड जाना था, यहीं पर बीच में उतर गए, ये कौन सा इलाका मेरे को पता नहीं चला, बट यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत भव्य बड़ा सा मॉल बन रहा है, आइकॉन प्लाजा मॉल। देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पर होने वाला है, पीवीआर वगैरह सब कुछ बोर्ड लग चुका है, यही सब खुलने वाला है। बाकी ड्रोन की मदद से आपको दिखाई रहे शॉट, और देख सकते हैं मुजफ्फरपुर का लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल खुलने वाला, बड़ा सा नाम लिखा हुआ, देख लीजिए क्या खूबसूरत है भाई। ऊपर का ड्रोन का शॉट आप ले देख लीजिए, कितना खूबसूरत मॉल है, कितना स्क्वायर फुट है ये मेरे को पता नहीं चल रहा है, कोई है नहीं बताने वाले, एक दो गार्ड है बोले, उनको कोई आइडिया नहीं है। बाकी आप लोग देख सकते हैं इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन अच्छा से आपको देते हैं, तो लास्ट तक पूरा ब्लॉग बने। तो अभी गाइस पटना से हम लोग आए हैं मुजफ्फरपुर, गोबरशाही इलाका इसको बोलते हैं, यहीं पर ये मॉल नया बनकर तैयार हो रहा है। कोई भैया जो लोग जा रहे थे उन्हीं से पूछ लिए, गोबरशाही जगह का नाम है, आप लोग गूगल कर भी आ सकते हैं, गूगल पे भी इस मैप का नाम आ चुका है, तो मैं तो गूगल मैप के थ्रू ही डायरेक्शन देखकर यहाँ पर आया था। आप लोग बस से आ रहे तो बीच बस से ही आपको उतरना पड़ेगा, ट्रेन से आइएगा तो शायद ऑटो वगैरह पकड़ के आना पड़ेगा, बट बस से आते हैं तो बीच में ही आपको दिख जाएगा। अपने बिहार में लगातार मॉल पे मॉल बनते जा रहा है, बस हम लोग को वेट था कोई और बड़ा मॉल खुलने का, जो कि मुजफ्फरपुर में खुलने वाला। एक बात आपको जरूर बता देते हैं, मुजफ्फरपुर में कोई मॉल खुलता है तो वैसा रिस्पॉन्स नहीं बनता है, यहाँ का 2-3 मॉल का मैं पहले ब्लॉग बना चुका हूँ, फिर से जो बोलिएगा तो आपके लिए स्पेशल ब्लॉग बना देंगे। तो वहाँ पर जब भी जाते हैं देखते हैं स्टोर पूरा खुला नहीं रहता है, मतलब कि ज़्यादा यहाँ पर लोग खरीदारी करते नहीं, सिनेमा हॉल तो भाई एकदम चकाचक फुल होने वाला है, बाकी बड़ा बड़ा जो ब्रांड का खुलते हैं चलता नहीं है उतना, लोग ज़्यादा ब्रांड खरीदते नहीं है। और पीएन मॉल जो खुला है, पीएन मॉल में देखिए मेरे को लगता है 2 साल होने वाला है, फिर भी ऊपर का देखिएगा पूरा अभी तक ओपन नहीं हुआ, जबकि पटना का पूरा खुल चुका है, जब खुला था तो पूरा खुल गया था, बट यहाँ का मुजफ्फरपुर का जो पीएन मॉल है वहाँ पर ऊपर का एकदम खाली खाली है अभी, मतलब समझिए बड़ा स्टोर लगा ही नहीं है, किसी ब्रांड का ज़्यादा स्टोर लगा ही नहीं है। तो इस मॉल का पता नहीं कैसा रिस्पांस मिलता है, बट खुलने वाला है, पता चला है कि फरवरी के अंत तक ये खुलने वाला है, जी हाँ, तो फरवरी के अंत में खुलेगा, तो यहाँ पर आके ब्लॉग बनाएंगे, बहुत तेजी से काम चल रहा है वैसे। मुजफ्फरपुर में जल्दी खुलने वाला है सबसे बड़ा मॉल, जी हाँ, जिसका नाम आइकॉन प्लाजा मॉल है। बाकी आप लोग बाहर का देख सकते हैं, एक्सटीरियर डिजाइन काफी खूबसूरत बेहतरीन लग रहा है। टोटल 9 फ्लोर का ये मॉल होने वाला है, जहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड्स भी आपको देखने को मिलने वाले हैं, बच्चों के लिए एक बड़ा सा गेमिंग जोन भी होगा, फूड कोर्ट भी होगा, मल्टी लेवल पार्किंग भी यहाँ पर होने वाला है, मतलब 2 पार्किंग होने वाला है ऊपर नीचे, और मॉल के साइड में 2 BHK और 3 BHK फ्लैट भी अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बिहार का पहला 4 स्क्रीन पीवीआर सिनेमा हॉल इसी मॉल में खुलने वाला है। मॉल बिल्कुल रोड के पास है, तो इस मॉल को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है पब्लिक से। और यहाँ पर आप लोग देखिए जितना भी ब्रांड है ये सब स्टूडियो वगैरह रहेगा, वुडलैंड का रहेगा, रेंट भी आपको यहाँ पर आप लोग ले सकते हैं, नंबर जो दिख रहा है स्क्रीन पर कॉल करके कर लीजिए, पटना से हैं, बिहार के अंदर कहीं भी हैं तो। लॉन्चिंग 2024 लिखा हुआ, देखिए पीवीआर सिनेमा बड़ा सा बोर्ड आप लोग देख सकते हैं, फिर से देख लीजिए एकदम जूम करके देखा है, पीवीआर सिनेमा खुलने वाला, 4 स्क्रीन का खुलने वाला, जी हाँ 4 स्क्रीन का खुलेगा, 3 नहीं 4 स्क्रीन का पीवीआर सिनेमा खुलने वाला। तो अभी तक तो गाइस जितना भी मुजफ्फरपुर में मॉल एक्सप्लोर किया मेरे को 2 मॉल दिखा, शायद एक कोई मिस हो रहा हो, बट बताया जा रहा है कि ये चौथा सबसे लार्जेस्ट बड़ा मॉल मुजफ्फरपुर का होने वाला है, पीएन मॉल के बाद मेरे को यही लग रहा है। एक और मॉल था उसमें मैंने उसका भी ब्लॉग बनाया था, मेरे को याद नहीं है, बट वो भी बड़ा था, तो ये 3रा नंबर पर ये आ सकता है, काफ़ी बड़ा मॉल है। और बिहार वाले पटना वाले भी कभी आ रहे तो आइकॉन प्लाजा मॉल में जरूर रहेगा, बट अभी तो खुला नहीं है, बताया जा रहा है कि फरवरी लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में इसका ओपनिंग होने वाला है। और ये आपको बताते थे सिनेमा हॉल अभी नहीं खुलेगा, सिनेमा हॉल का मॉल खुलने का 1-2 साल के बाद इस ये खुलेगा, पीवीआर ही बट यहाँ पर खुलेगा। मुजफ्फरपुर में गाइस बिहार का पहला बीजेपी सिनेमा हॉल खुला था, मुजफ्फरपुर बिहार का पहला पीवीआर सिनेमा हॉल खुलने वाला, जी हाँ बीजेपी मतलब प्रकाश झा प्रोडक्शन का सिनेपोलिस उन्हीं के अंडर आता है, तो मुजफ्फरपुर खुला, पटना में बीजेपी खुलने वाला है,
किस मॉल में खुलेगा आप लोग कमेंट बताइए, मैं वहाँ का ब्लॉग बना चुका हूँ। अरे आप लोग नहीं जानते तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके चेक कर लीजिएगा कहाँ पर भी अपने पटना में पीजेपी सिनेमा खुलने वाला है। बाकी पीवीआर 4 स्क्रीन का खुलने वाला है, इसी मॉल में खुलने वाला है, आइकॉन प्लाजा मॉल जिसका नाम है। काफ़ी बड़ा और काफ़ी खूबसूरत है, लुक बहुत एकदम ट्रायंगल शेप में, इसका डिजाइन जो ऊपर से देख रहे हैं तो पूरा ट्रायंगल शेप में लग रहा है, थोड़ा सा ऐसे करके लास्ट में कर्व है बट पूरा ट्रायंगल शेप में इसको बनाया गया। मेरे को तो लाजवाब काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, पूरा शीशा जैसा डिज़ाइन देगा बाहर का देख रहे, पूरा शीशा शीशा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो मुजफ्फरपुर वालों को नया साल में एक नया गिफ्ट भी मिलने वाला है, समझ लिए, बिहार वालों को नया साल में एक नया गिफ्ट मिलने वाला। बाकी मॉल के बाहर हम लोग खड़े हैं, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा गार्डन टाइप का, पूरा पेड़ टाइप का बनाया जा रहा है, बाहर से भी दिख रहा है, अंदर का भी थोड़ा क्लिप लिया आपको दिखा दे रहे हैं, और बाकी मॉल के अंदर काम चल रहा है बहुत तेजी से। चलिए गाइस, तो फाइनल यहाँ से निकले, छोटा सा अपडेट था। तो अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ओके बाय, टेक केयर।